क्या नाम है आपका? ऋषभ अंकु। कहाँ रहते हैं, जोर से बोलेंगे? दिल्ली। दिल्ली में रहते हैं जी। तो अभी जो आप लेह में कोर्स करके आए हैं, ये आपको कैसा लगा और ये आपका कौन सा कोर्स है? ये मेरा थर्ड कोर्स था और जो अनुभव था कठिन बेशक काफी रहा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। तो विपस्ना में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कि आप तीसरा कोर्स भी कराए और ले भी गए, विपस्ना से आपको क्या फायदा हुआ? सबसे अच्छा जो मुझे पर्सनली लगा, इसमें कुछ एसोसिएटेड नहीं है। यू गो फॉर द ट्रुथ विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ। मतलब आप जो ट्रुथ है उसको निकाल सकते हैं, ये ट्रुथ से बना हुआ है सारा जी, इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है जी। तो ये पहली बार एहसास हो गया था आपको कि जो आपने टेक्निक सीखी है वो बिल्कुल प्योर है? सर, टेक्निक को समझने में मुझे दो कोर्स लगे। अच्छा। तीसरे कोर्स में जाके मेरे को शुद्ध रूप में पूरी टेक्निक समझ में आई कि मैं उसको अप्लाई करना। तो पहले जब आप बुद्ध को सुनते थे या देखते थे या बुद्ध की कोई स्टेचू देखते थे, और अब जो आप बुद्ध को देखते समझते हैं, क्या अंतर आया उसमें? सर, बुद्ध को इन पर्टिकुलर तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो एक दृष्टिकोण था पूरी दुनिया को देखने का दृष्टिकोण, वो मेरा बदला। बुद्ध के बारे में मैं इन पर्टिकुलर इतना ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन इसके जरिए मेरे को बुद्ध ही नहीं और सब चीजों को भी समझने में काफी। मतलब आप पूरी दुनिया में अच्छाई और बुराई क्या है वो पूरा लगभग जानते हैं, आपके क्या चीजें अच्छी है क्या खराब। दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब अंदर ही है, सब अंदर है। तो विपस्ना करने से पहले और अब में आपके जीवनचर्या में और जीवन के व्यवहार में क्या अंतर आया? सर, मैं ऐसा कहूँ कि मेरा जीवन बिल्कुल ही एक ड्रेस्टिकली बदल गया कि मेरे को गुस्सा ही नहीं आता है, क्रोध ही नहीं आता, वो तो थोड़ा गलत होगा। ये जरूर कहूँगा कि अगर पहले 100 की स्पीड से दौड़ रहा था तो अभी 90 हुई है, और ये उम्मीद है कि जैसे मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ रेगुलरली, तो वो धीरे 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 कम हो रही है। कि अगर कुछ भी अप्रिय होता तो सबसे पहले ध्यान सांस पे जाता और कहीं जाता ही नहीं। तो आपने इस विपस्ना से फायदा उठाने के लिए अपने परिवार में किसी को भेजा? जी, मेरे पिताजी कर आए हैं ये वाला कोर्स। तो लगभग क्या रहा, उन्होंने क्या बताया कि जब वो कोर्स करके आए? उनका भी यही था कि कठिन काफी है, लेकिन एक जो मार्ग है, जो एक साफ सुथरा मार्ग है जिसमें कुछ एसोसिएशन नहीं है, वो जरूर मिला। अब हम दोनों रोज सुबह उठ के इकट्ठे ही विपस्ना करते हैं। तो कुछ और भी, जैसे आपके घर में आपकी माता जी या रिश्तेदार या दोस्त है, उनको आपने सजेस्ट किया कि आपको जीवन में इसको अडॉप्ट करना चाहिए, देखना चाहिए? जी, मैंने सबको सजेस्ट किया, लेकिन द बिगेस्ट थिंग जो लोगों को दिक्कत आती है वो मौन है या फिर जो दिनचर्या है। बट आई होप दैट द डे विल कम व्हेन दे ऑल विल गो टुगेदर फॉर द विपस्ना। इससे अच्छी टेक्निक खोजने के लिए आप तैयार हैं? सर, पर्सनली एफर्ट्स डालने के लिए आई एम नॉट रेडी, बिकॉज मुझे थोड़ा और काम से एसोसिएशन है, लेकिन आई एम वेरी मच श्योर कि जिस दिन भी रिटायरमेंट होगा तो द ओनली थिंग आई एम गोना डू इज विपस्ना। अच्छा अच्छा, आपको इसमें जो विपस्ना करने में जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगती है वो कौन सी लगती है विद रेस्पेक्ट टू अदर जो टेक्निक है उनके मुकाबले? सर, मैं कंपैरिजन करने में मेरे को थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मैं थोड़ा सा इजी वे में आपको कहूँ तो सिर्फ ये है कि इसमें कुछ एसोसिएशन नहीं है, आपके पास जो ट्रूथ है उसके थ्रू ही आप अंदर जा रहे हैं। आपने अगर फाइनेंशियली कुछ आपको ये नहीं है कि आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसमें कोई गुरु ने, जो गुरु शिष्य की परंपरा है वो नहीं है। गुरु शिष्य की है लेकिन इनकार्नेशन नहीं है। नहीं, गुरु शिष्य की परंपरा भी नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो गोयनका जी किसी के गुरु नहीं है, आप उनको जबरदस्ती गुरु माने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमें अपना शिष्य बना लें, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा पहले से ही नहीं है जी। आप सीखिए और अपना गुरु अपने आप बन जाइए, अत दीपो भव, यानी अपना टीचर आपको खुद बनना है जी। तो आपको लगता है कि जब आप विपस्ना करते हैं तो अपने गुरु खुद होते हैं आप? ये आपकी बात बिल्कुल सही है इस हद में कि जो हम सीखते हैं वो अपने अनुभव से ही सीखते हैं, कोई किसी ने कुछ बताया मान बेशक लेते हैं लेकिन जानते नहीं है उस चीज। आपको पता है कि बुद्ध का भी कोई गुरु नहीं था? जी सर, ये बिल्कुल पता है मुझे। बुद्ध ने भी किसी को चेला नहीं बनाया? नहीं, बिल्कुल सही। बुद्ध ने कोई गद्दी भी नहीं स्थापित की जी, और बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा जो व्यक्ति है आगे जाके तुम्हारा सास्ता बनेगा या ये इसका टीचर रहेगा या हेड रहेगा जी। इसका काफी झगड़ा भी उस समय मचा, मगर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया जी। तो उन्होंने ये भी बताया था कि गुरु कौन है जी, उन्होंने कहा था कि धम्म ही आपका गुरु है जी, धम्म धम्म का गुरु है, यानी कि जो प्राकृतिक रास्ता है, जो विपस्ना टीचिंग है, वही आपकी टीचर रहेगी, और ये 100% शुद्ध है अगर है। ऐसा महसूस होता है कि ये 100% शुद्ध है और ये टीचिंग करती है जी? मेरे को इन पर्टिकुलर यहाँ जाकर जरूर ये फील हुआ कि कुछ भी मिक्सिंग नहीं है, जस्ट आप जो शुद्ध रूप में खुद के साथ हैं, जो सांसें हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो आप विपस्ना के एडिक्ट तो नहीं हुए?
एडिक्ट तो नहीं हुए? नहीं सर, मैं अभी इसका ये नहीं है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन मेरे को ये ज़रूर अनुभव है कि अगर मैंने इसको कुछ एक साल तक लगातार किया तो मैं बहुत ही ज़्यादा हो जाऊँगा। नहीं, अगर आप इसके एडिक्ट होते हैं तो फिर विपस्ना फेल हो जाएगी, आप ध्यान रखें। जी, एडिक्ट नहीं होना है विपस्ना का। एडिक्ट सर जब अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगी तो हर इंसान उस चीज का इम्प्रूवमेंट हो, मगर एडिक्ट ना हो। जी, ना ही राग रहे ना द्वेष रहे। विपस्सना का भी एडिक्ट नहीं, विपस्सना का राग भी नहीं होना है। जी, ये बात किसी ने बताई है आपको? नहीं सर, ये आपने ही बताई है मुझे। विपस्सना का एडिक्ट नहीं होना है, अगर विपस्सना के एडिक्ट हो गए तो विपस्सना फेल हो गए। जी, इसको गुरु जी भी बार बार बताते हैं कि राग नहीं करना है तो विपस्सना से भी राग नहीं करना है, इसको करना है मगर राग नहीं करना है। जी, ये ध्यान रखना है इसको। जी, तो आप यहाँ आए, बहुत बहुत आपका आभार है, धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।